पढ़िए जरा। अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह दरसे बहार शरीयत का ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है, और इससे पहले दो हफ्तों में जो दरसे बहार शरीयत हुआ वो वाज़ और बयान के बाद हुआ, और आज दरसे बहार शरीयत पहले करने की वजह ये है कि हमारे मेहमान मुकर्रर हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब क़िबला, जो सरज़मीन कर्नाटक से हमारे आपके दरमियान जलवा फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत के वक्त में हक तलफ़ी हो जाए, इसलिए दरसे बहार शरीयत पहले, उसके बाद फिर हज़रत की मर्ज़ी जितना चाहे कुर्सी खिताबत पर जलवा कर रहे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, दरसे बहार शरीयत के बाद आप हज़रत का खिताब नायाब सुनेंगे। ये मुसलसल तीसरा हफ़्ता दरसे बहार शरीयत का है। मौला तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व ताला जो भी दर्स हो हमें उसे समझने की, उसे याद करने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। हमारा ये तरीक़ा रहा है कि हम पहले कुछ इस्तलाहात को समझ रहे हैं दरसे बहार शरीयत में। अब तक 10 इस्तलाहात हो चुकी है पहले हिस्से में कुल 22 इस्तलाहात हैं, जिनमें से 10 का जिक्र हो चुका है। मैं सरसरी तौर पर बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ जिसकी इस्तलाह यानी जिसकी तारीफ, जिसको हमने समझा कि इसे क्या कहते हैं, मैं सरसरी तौर पर सिर्फ बताकर फिर अगली इस्तलाहात को बताऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग अकीदे पर आएंगे। जिन 10 इस्तलाहात का जिक्र हुआ उनमें पहली चीज़ इल्मे ज़ाती थी, दूसरी चीज़ इल्मे अताई, तीसरी चीज़ मुजिज़ा किसे कहते हैं ये बताया गया दोनों दर्स में, चौथी चीज़ मुहकम किसे कहते हैं ये बताया गया, पांचवी चीज़ मुतशाबे किसे कहा जाता है ये भी बताया गया, छठी चीज़ इल्हाम, सातवीं चीज़ वहीय शैतानी, आठवीं चीज़ इरहास, नौवीं चीज़ करामत और दसवीं चीज़ मऊनत। करामत और मऊनत को मैं फिर से बता देता हूँ कि करामत किसे कहते हैं, मऊनत किसे कहते हैं, ताकि और जो आगे की बात है वो उसी से मुत्तसिल है, वो भी समझ में आ जाए। करामत कहते हैं वली से जो बात खिलाफ़ आदत यानी वक्त हो चला है रात का, हो जाता है अंधेरा, डूब जाता है सूरज, मगर इसके ख़िलाफ़ अगर किसी वली से ज़ाहिर हो जाए, यानी रात का वक्त भी है और सूरज भी नज़र आ रहा है वली के ज़रिए, तो ये ख़िलाफ़ आदत है और ये वली की करामत है। सुभान अल्लाह। तो करामत, वली से जो बात खिलाफ़ आदत सादिर हो उसे करामत कहते हैं। और मऊनत क्या है? मऊनत आम मुमिनीन से, मैंने बताया पिछले हफ्ते कि अगर कोई आम मुमिन है, अगर सफ़र कर रहे हैं 2-3 लोग आम मुमिनीन हैं, अचानक ऐसे लग रहा था कि कोई हादसा हो जाता, कोई गाड़ी सामने आ जाती या गाड़ी गिर जाती, मगर अल्लाह के फजल करम से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग निकल जाएंगे इंशाअल्लाह, और सही सलामत निकल गए। तो ऐसी चीज़ जो आम मुमिनीन से साबित होती है, ऐसी चीज़ को मऊनत कहते हैं। देखिए, मऊनत का माना आम मुमिनीन से जो बात खिलाफ़ आदत सादिर हो, बस आपको ऐसा लग रहा था कि अब हादसा हो ही जाएगा, हादसा होकर ही रहेगा, और सारी वजूहात सारी इल्लतें आपको नज़र आ रही थी कि नहीं बस अब तो हादसा होना ही है, मगर अल्लाह का ऐसा फजल करम हुआ कि हादसा हुआ ही नहीं। तो ये आम मुमिनीन की मऊनत यानी रब तबारक व ताला की वहाँ पर मदद पहुँच गई। आम मुमिनीन से जो बात खिलाफ़ आदत सादिर हो उसको मऊनत कहते हैं। अब आगे की इस्तलाहात, नंबर 11 इस्तदराज। क्या है इस्तदराज? इस्तदराज किसे कहते हैं? देखें, मैंने बताया ना कि वली से खिलाफ़ आदत बात सादिर होती है, आम मुमिनीन से भी खिलाफ़ आदत बात सादिर होती है, और ऐसा मुमिनीन ही के साथ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फुसाक फाजिर होता है
यानी मोमिन नहीं है, मोमिन होता है मगर फुसाक होता है, फासिक होता है। फासिक उसे कहते हैं जो एलानिया गुनाह करें, जैसे खुल्लम खुल्ला बाजार में जो है तो दाढ़ी कटवाए, खुल्लम खुल्ला खड़े होकर खाना खाए, नमाज का वक्त हो रहा है और मालूम है कि यहीं पर ये नमाज़ पढ़ता है, फिर भी नमाज के अवकात में बाहर खड़ा है, तो एलानिया गुनाह करने वाले को फासिक कहते हैं। तो कभी कभी फुज्जार और फासिक लोग, इन लोगों से भी खिलाफ आदत बात सादिर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं उसी को बताया जा रहा है। इस्तिदराज किसे कहते हैं, बेबाक यानी कोई खौफ नहीं है उसे, फुज्जार फाजिर आदमी, या कुफार यानी काफिरिन, इनसे जो बात उनके मुआफिक जाहिर होती है। कभी ऐसा होता है कि वो कह देते हैं कि बस अभी ये ऐसा होने वाला, और ऐसा हो भी जाता है, उनके मुआफिक बात हो जाती है, तो ऐसी ही बात को क्या कहते हैं, इस्तिदराज कहते हैं। होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है, कुफार कभी कुछ कह देते हैं हो जाता है, इसी तरह फाजिर लोग भी कुछ कह देते हो जाता है, तो ऐसी चीज़ को इस्तिदराज कहते हैं। अब ये क्यों बताया जा रहा है, जब इसका आगे बयान आएगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या चीज़ है ये इस्तिदराज। नंबर 12, इहानत। इहानत इसका माना होता है तौहीन, यानी आपकी हमारी ज़बान में जिसको कह लें कि बेइज्जती है ना, कोई इज्जत नहीं, इहानत उसी को कहते हैं। अब देखें यहाँ तो उन्होंने जैसा चाहा वैसे ही हो गया, तो इस्तिदराज कहते हैं, यानी उनके मुआफिक हो जाना, जैसा वो चाह रहे थे वैसे ही हुआ, उसको इस्तिदराज कहते हैं। और इहानत, बेबाक फुज्जार या कुफार से जो बात उनके खिलाफ जाहिर हो, उनके मुआफिक जाहिर ना हो, वो चाह रहे थे कि ऐसा हो मगर ऐसा नहीं हुआ, उसके खिलाफ हो गया, तो ये क्या है, ये इहानत है, यानी वहाँ पर उनकी तौहीन हो गई, उनकी बेइज्जती हो गई, तो इसी को इहानत कहते हैं। बेबाक फुज्जार या कुफार से जो बात उनके खिलाफ जाहिर हो उसको इहानत कहते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप हजरात बार बार इसको सुनें और समझने की भी कोशिश करें। और मैंने पहले ही बताया कि ये बाहर शरीयत है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, और बाहर शरीयत में भी हम पहला हिस्सा जो अकायद से मुतालिक है, और अकायद आप हरगिज़ उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप मंतिक और फ़लसफ़ा ना समझ लें, और मंतिक और फ़लसफ़ा समझने के लिए आलिम बनने की ज़रूरत है। नंबर 13, शफाअत बिल वजाहत। शफाअत बिल वजाहत, शफाअत का माना तलब करना, और बिल वजाहत, वजाहत के माने इज़्ज़त और मर्तबा। शफाअत बिल वजाहत किसे कहते हैं, मुस्तशफा इलैह, जिससे सिफारिश की गई, की बारगाह में, यानी रब तबारक व तआला की बारगाह में शफाअत करने वाले को जो इज़्ज़त और मर्तबा हासिल है उसके सबब शफाअत का कबूल होना, ये शफाअत बिल वजाहत है। यानी मर्तबे की वजह से, इज़्ज़त की वजह से शफाअत जिनकी बारगाह में, यानी रब की बारगाह में की जा रही है, जिसकी बारगाह में, वहाँ पर इनके मर्तबे और इनकी इज़्ज़त की वजह से शफाअत का कबूल होना, ये शफाअत बिल वजाहत है। नंबर 14, शफाअत बिल महब्बत। शफाअत बिल महब्बत, वहाँ शफाअत बिल वजाहत था, यानी इज़्ज़त और मर्तबे की वजह से शफाअत कबूल हो गई, शफाअत बिल वजाहत, और यहाँ पर महब्बत की वजह से शफाअत कबूल हो गई, इसलिए ये शफाअत बिल महब्बत। शफाअत बिल महब्बत वो शफाअत जिसकी कबूलियत का सबब मुस्तशफा इलैह, यानी जिससे सिफारिश की गई कि शफाअत करने वाले से महब्बत, यानी अल्लाह के महबूब बंदे अगर किसी की सिफारिश करें रब की बारगाह में कि मौला इसे भी तू जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे, तो ऐसी शफाअत यानी महब्बत की बुनियाद पर यह शफाअत थी, तो इसको शफाअत बिल महब्बत कहते हैं। और सबसे पहले आप हजरात इस बात को जान लें कि शफाअत ये अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम मुमिनीन की शफाअत फरमाएंगे, और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि शफाअत हक है, जो इसका इनकार करे वो काफिर है, और शफाअत का जो दरवाज़ा खुलेगा सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा, यानी शफाअत रब की बारगाह में अगर किसी की होगी तो सबसे पहले किसकी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करेंगे, और उसके बाद फिर दीगर लोग, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे, इसी तरह अंबिया किराम, सालिहीन, शुहदा, उलमा, मशाइख़ ए आज़म और आम मोमिनीन भी शफाअत करेंगे,
यहाँ तक कि आपने रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखा था, रोज़ा भी आपकी शफ़ात करेगा। कुरान मजीद की तिलावत की थी, कुरान मजीद भी आपकी शफ़ात करेगा। और इसी तरह खाने काबा का हज आपने तवाफ़ किया तो खाने काबा भी आपकी शफ़ात करेगा, और उलमाए कराम आम मोमिनीन उलमाए कराम भी आपकी शफ़ात करेंगे। बताया जाता है रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन कुछ लोग उलमा के पास, यानी जब उनको शफ़ात की ज़रूरत होगी तो उलमा के पास आएंगे और उलमा से कहेंगे कि क्या आपको याद है कि दुनिया में आपको वज़ू बनाने के लिए पानी का इंतज़ाम हमने किया था, लिहाजा आप हमारी शफ़ात करें, और उनकी शफ़ात करेंगे उलमाए कराम। तो शफ़ात ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हक़ है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। शफ़ात, शफ़ात बिल वजाहत, शफ़ात बिल मोहब्बत। अब नंबर 15, शफ़ात बिल इज़्न। शफ़ात बिल इज़्न इसका माना यह है कि जिसके लिए शफ़ात की गई, शफ़ात करने वाले को मुस्तशफ़ा इलैही के सामने उसकी शफ़ात पेश करने की इजाज़त हो, यानी रब तबारक व तआला ने शफ़ात की इजाज़त भी अता फरमाई है, तो अब जिनको इजाज़त मिली है वो किसी और के लिए रब की बारगाह में सिफारिश कर रहा है, शफ़ात कर रहा है, तो इसको शफ़ात बिल इज़्न कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें, शफ़ात बिल वजाहत, शफ़ात बिल मोहब्बत, शफ़ात बिल इज़्न, ये तीन इस्तलाहात आप याद रखें। और उससे पहले इस्तिदराज और इहानत जो मैंने बताया इसको भी आप हज़रात याद रखें। अब चलें अकीदे की तरफ। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तक हम लोग तीन अकाइद पढ़ चुके हैं बाहर शरीयत से, अब अकीदा नंबर 4। अकीदा नंबर 4 बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि अकायद का समझना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर उन लोगों को जो बिल्कुल भी मदरसे में नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल भी मंतिक, फ़लसफ़ा, अरबी कुतुब, अरबी अल्फाज, इसके अल्फाज भी बड़े सख्त हैं। इसलिए बड़ी तवज्जो से सुने और रब की बारगाह में दुआ करें कि जिस तरह भी हो सके हमारी समझ में आ जाए और हमारे अकायद मज़बूत हो जाए। अकीदा नंबर 4, रब तबारक व ताला की सिफतें ना ऐन हैं ना गैर। सबसे पहले तो ये समझ ले कि सिफत, रब तबारक व ताला की सिफात क्या है। रब तबारक व ताला रहम फरमाता है, ये उसकी सिफात है, सिफत है। रब तबारक व ताला करम फरमाता है, ये उसकी सिफत है। रब तबारक व ताला तख्लीक फरमाता है, यानी चीज़ों को पैदा फरमाता है, ये उसकी सिफत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उन्हीं के ताल्लुक से ये अकीदा है कि रब तबारक व ताला की सिफतें ना आयन है ना गैर। आयन का मतलब होता है जैसे रब तबारक व ताला की ज़ात है तो उसकी सिफतें ना आयन है, यानी जो सिफतें हैं वही खुदा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ना गैर, और ना ही रब तबारक व ताला से जुदा। गैर का माना यहाँ पर मुनफसिल है, यानी जुदा। रब तबारक व ताला की जो सिफतें हैं हम उन सिफतों को खुदा नहीं कह सकते और ना ही खुदा से जुदा कह सकते हैं। तो वही अकीदा है कि रब तबारक व ताला की सिफतें ना आयन है ना गैर, यानी अल्लाह ताला की जो सिफतें हैं हम ये नहीं कह सकते कि रब तबारक व ताला, जैसे रब तबारक व ताला इल्म वाला है, इल्म उसकी सिफत है, जानने की सिफत, और कदीर है, कुदरत रखने की सिफत है। उसको यूँ भी समझे कि हम और आप चलते फिरते हैं, देखते सुनते हैं, इल्म किसी के पास है तो हम उसे आलिम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैद देखता है, जैद सुनता है, मगर जैद जो देखता है तो देखना जो है वही जैद है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैद अलग है और जो देखना है ये उसकी सिफत है। इसी तरह रब तबारक व ताला की सिफतें ना आयन है ना गैर है, यानी सिफात उसी ज़ात ही का नाम हो, ऐसा नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व ताला को हम ये नहीं, कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा माबूद इल्म है या मेरा माबूद कुदरत है, ये अकीदा नहीं रख सकते आप। मेरा माबूद इल्म है या मेरा माबूद कुदरत है, ये नहीं, बल्कि आपको ये अकीदा रखना है
कि मेरा माबूद अलीम है, यानी इल्म की सिफत जिसके अंदर है, जानने की सिफत जिसके अंदर है, और मेरा माबूद वो है कि कुदरत की सिफत जिसके अंदर है। तो ये कुदरत और इल्म को हम खुदा नहीं कहेंगे क्योंकि ये उसकी सिफतें हैं। उसी को बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफतें ना आयन है, आयन नहीं है, और ना ही गैर, ना ही रब तबारक व तआला से जुदा है। अब उसको थोड़ा सा समझा रहे हैं, यानी सिफात, ये जो इल्म की सिफत, तख्लीक की सिफत, कुदरत की सिफत, उसी ज़ात ही का नाम हो ऐसा नहीं है, और ना उससे किसी तरह किसी नहव वजूद में जुदा हो सके, और उससे जुदा भी नहीं हो सकती वो सिफतें, इल्म की सिफत, कुदरत की सिफत, ये रब तबारक व तआला से जुदा भी नहीं है, ना गैर है यानी मुनफसिल भी नहीं, यानी जुदा भी नहीं है, कि नफ्से ज़ात की मुक्तज़ा है, कि नफ्से ज़ात यानी रब तबारक व तआला का जो मौजूद होना ये ज़रूरी है ना, तो उसके लिए ये मुक्तज़ा है, ये जो सिफत है यही तो हमें बताती है कि रब तबारक व तआला है। पहाड़ को जिसने पैदा किया, वो पैदा करने की सिफत जिसके अंदर है वो रब तबारक व तआला है। दरियाओं को जिसने पैदा किया, दरिया पैदा करने की सिफत जिसमें है वो रब तबारक व तआला है। तो नफ्स ज़ात की मुक्तज़ा है ये सिफतें, यानी ये सिफतें हमें बता रहे कि हाँ रब तबारक व तआला की ज़ात है। और ऐन ज़ात को लाजिम, ऐन ज़ात को यानी रब तबारक व तआला की ज़ात होने को ये सब लाजिम भी है, ज़रूरी है कि ये सिफतें रब तबारक व तआला में मौजूद हो, इसीलिए ये मुनफसिल भी नहीं है, यानी गैर भी नहीं है, ऐन भी नहीं है, गैर भी नहीं है। इसको एक मिसाल देकर समझाया गया है कि फूल की खुशबू, फूल में जो खुशबू आती है, तो जो खुशबू है ये फूल की सिफत है, फूल की जो खुशबू है ये उसकी सिफत है, जो फूल के साथ ही पाई जाती है, जहाँ फूल होगा वहाँ खुशबू होगी। मगर जो खुशबू आ रही है, हम खुशबू को फूल नहीं कह सकते, हम खुशबू को फूल नहीं कह सकते। इसी तरह वो जो खुशबू है उसको हम फूल से जुदा भी नहीं कह सकते। तो हालांकि इस तरह मिसाल हम रब तबारक व तआला के ताल्लुक से नहीं दे सकते, क्यों? रब तबारक व तआला तो लैसा का मिसल ही शयून, रब तबारक व तआला की मिसल कोई चीज़ ही नहीं है। मगर ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है कि एक फूल होता है, खुशबू उसकी होती है, तो खुशबू उसकी सिफत है, तो हम फूल की खुशबू को फूल नहीं कहेंगे, और खुशबू जो है तो बग़ैर फूल के पाई भी नहीं जाती है। तो इसी तरह रब तबारक व तआला की सिफत है, ना ऐन है ना गैर है। ये बड़ा अहम अकीदा है, इसको बार बार सुने, इसको समझने की भी कोशिश करें, फिर भी ना समझ में आए तो उलमा से रुजू करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ और तफसील में आप हज़रात को बताया जाएगा। अब आगे देखें, अकीदा ख़त्म हो गया। अकीदा नंबर 5, अकीदा नंबर 5, जिस तरह रब तबारक व तआला की ज़ात कदीम, अज़ली, अबदी है, ये ज़ात की बात हो रही है। ख़ुद रब तबारक व तआला की ज़ात हमने पीछे पढ़ा कि कदीम है, अज़ली है, अबदी है। अब मैं कदीम का माना भी बताऊंगा, अज़ली का माना भी बताऊंगा, अबदी का भी माना बताऊंगा। जबकि सबसे पहले जो बाहर शरीयत का जो दर्स हुआ उसमें भी बताया गया कि अबदी का क्या माना है, अज़ली के क्या माना है, और कदीम के क्या माना है। मगर पहले पूरा अकीदा सुन लें फिर मैं बताता हूँ। जिस तरह रब तबारक व तआला की ज़ात कदीम, अज़ली, अबदी है, सिफात भी कदीम, अज़ली और अबदी है। अब इसका माना सुनिए। अज़ली कहते हैं वो जिसकी इब्तिदा ना हो, अज़ली जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। हमारा ये अकीदा है कि रब तबारक व तआला अज़ली है, यानी जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ से शुरू, क्योंकि हम उसकी ज़ात का इदराक कर ही नहीं सकते हैं। तो अज़ली के माना जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, और अबदी, अबदी का माना वो है कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। अज़ली जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, और अबदी जिसकी कोई इंतहा ना हो, और कदीम वो है जिसकी ना इब्तिदा हो ना इंतहा। समझ रहे हैं आप? अज़ली के सिर्फ ये माना है कि जिसकी इब्तिदा ना हो, और अबदी के सिर्फ ये माना है कि जिसकी इंतहा ना हो, और कदीम जिसकी ना इब्तिदा हो ना इंतहा हो, यानी हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो रब तबारक व तआला की ज़ात जैसे हमेशा है, हमेशा रहेगी, इसी तरह जो उसकी सिफातें हैं, रहम करना, तख्लीक करना, गज़बनाक होना, ये सारी सिफतें भी कदीम है, अज़ली है और अबदी है, यानी इनकी भी कोई ना इब्तिदा है ना इंतहा है। तो
तो ये चार नंबर अकीदा और पांच नंबर अकीदा, ये दो अकाइद आप इसको बार बार सुने, बार बार सुनने के बाद इसको समझने की कोशिश करें और इन पर मजबूती से कायम रहें कि रब तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि जो हमेशा से थी, हमेशा है, साथ ही साथ रब तबारक व तआला की ज़ात के अलावा जो सिफात है रब तबारक व तआला की, वो भी हमेशा से थी और हमेशा से रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बिलखुसूस बहार शरीयत के मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान के तुफ़ैल दरस बहार शरीयत यानी अकायद समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।